गाइस, अगर आप भी आपका विंडोज के इस पुराने सेटिंग को चेंज करके इस तरह के कुछ डार्क बैटमैन टाइप लुक देना चाहते हो और इस तरह के कुछ सेटिंग्स करना चाहते हो, आपका विजिट एप्स का सेटिंग्स अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो फिर इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपको आखिर तक जरूर से देखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी स्टेप मिस हो जाएगा तो आप ये ट्रिक काम नहीं करेगा। सो हे गाइस, यू आर वॉचिंग द ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल, तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। देखो गाइस, सबसे पहले ये जो ऐप देख रहे हो, इस सारे ऐप को आपको बीच में अरेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल ही मिडिल में। उसका फायदा आपको बाद में होगा, तो आपको बाद में पता चलेगा कि क्यों मैंने इसे सेट करने को बोला। तो आप बस इसे सेट करते रहो, तो मैं बस इसे फटाफट से सेट कर लेता हूँ। तो गाइस, मैंने इसे पूरी तरीके से सेट कर लिया और अब देखो आपका स्पेस भी ज्यादा नहीं लग रहा है। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका डेस्कटॉप का जो आइकन है इसे हाइड करना पड़ेगा। तो माउस पे करो राइट क्लिक एंड व्यू, तो यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको हाइड कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका कोई भी डेस्कटॉप आइकन नहीं रहेगा, तो ये बिल्कुल ही क्लीन लगेगा अभी। तो फिर गाइस, आपको टास्क बार पे क्लिक करना है एंड शो क्रोटाना बटन, इस पर क्लिक करना है तो क्रोटाना हट जाएगा। एंड देन आपको करना है शो टास्क व्यू बटन, इसको भी क्लिक करना है तो ये भी हट जाएगा। फिर से आपको टास्क बार पे क्लिक करना है एंड न्यू एंड इंटरेस्ट पे आपको क्लिक करके इसे टर्न ऑफ कर देना है। फिर आपको इस सर्च बार को हाइड करना पड़ेगा, टास्क बार पे क्लिक करना है एंड फिर सर्च पे क्लिक करना है, इसे हाइड कर देना है। तो आपका सर्च बार भी हाइड हो चुका है गाइस। देन आपको करना है इस पर राइट क्लिक एंड पर्सनलाइज पे जाना है और इसके बाद कलर पे जाना है। एंड कलर पे जाने के बाद यहाँ पे जो आपको लाइट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको डार्क मोड चूज कर लेना है। सो डार्क मोड चूज करते सबका कलर इस तरीके से डार्क हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको कलर पे रेड चूज करना है एंड नीचे स्क्रोल करके आ जाना है एंड स्टार्ट टास्क बार, इस पर क्लिक करना है। तो अभी आपको जाना पड़ेगा ऐप मार्केट पे, जाते ही ऊपर आपको सर्च बार पे टाइप करना है लाइवली वॉलपेपर, तो ये ऐप आपका सामने आ जाएगा, तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं फटाफट से इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, आप भी कर लो। तो गाइस, अभी इस लाइवली वॉलपेपर ऐप को आपको ओपन करना है। तो गाइस, ये ओपन हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और जो भी वॉलपेपर आप सेट करना चाहते हो उसे बस यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो गाइस, आपको वॉलपेपर के लिंक कहाँ से मिलेगा, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते आपको लोगो एंड वॉलपेपर नाम की एक लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करते ही आप गूगल ड्राइव से इसे डाउनलोड कर पाओगे। तो इस तरीके के कुछ लोगो एंड ये रहा वॉलपेपर, ये आप डाउनलोड कर पाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, तो इसको सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और इस लोड होना चालू हो चुका है। तो गाइस, सिंपली ये वॉलपेपर लोड हो चुका है, तो अब इस पर हम क्लिक करेंगे, तो अभी हम इसे बैक करेंगे एंड बूम गाइस, अब देख सकते हो ये जो वॉलपेपर है, ये वॉलपेपर फाइनली इंस्टॉल हो चुका है एंड सेट भी हो चुका है। तो अब क्या करना है, टास्क बार को हम हाइड करेंगे। तो फिर से आपको लाइवली वॉलपेपर पे जाना है एंड सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद सिस्टम के ऑप्शन में चले आना है और यहाँ पे टास्क बार नाम की ये टास्क बार थीम में लिखा हुआ है, तो इस पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लियर सिलेक्ट कर लेना है। तो क्लियर सिलेक्ट करने के बाद हम इसे सिंपली कट कर देंगे। अब गाइस, देख सकते हो हमारा जो वॉलपेपर है वो पूरी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब गाइस, आपको जाना है क्रोम में, तो चलिए क्रोम में चलते हैं। क्रोम में आने के बाद आपको ऊपर सर्च करना है www.winsetup.net/nexus, तो ये सर्च करके आपको एंटर कर देना है एंड देन उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगा तो उसके ऊपर चले जाना है क्लिक करके। तो आपके सामने इस तरह का नेक्सस सेटअप आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सिंपली ये फ्री वाला ऑप्शन को आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये डाउनलोड होना चालू हो चुका है। 37.8 MB का नेक्सस ऐप है, तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो गाइस, सिंपली ये डाउनलोड हो चुका है, तो आप शो इन फोल्डर पर जाएंगे और इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट हियर, तो अभी चले जाएंगे सबसे नीचे। ये देखो, नेक्स्ट सेटअप एक्सट्रैक्ट होने के बाद नेक्स्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे डबल क्लिक और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो ओके करेंगे एंड देन आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। सो फिनिश पे हम क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारा जो प्रोग्राम है फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये जो प्रोग्राम है फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब इसको सेटअप करना पड़ेगा, तो आपका जो सारा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले ये नेक्सस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ चेक ही नहीं करना है, मॉड्यूल्स में भी कुछ चेक ही नहीं करना है एंड फिर चले जाना है पोजीशन में। तो पोजीशन में यहाँ पे आपको राइट पे सेलेक्ट कर लेना है
तो राइट पे सिलेक्ट करने के बाद एंड देन यहाँ पे 1% दिखा रहा है तो हम 0 पे सिलेक्ट करेंगे इसे। इस तरफ हम 8 पे सिलेक्ट करेंगे प्लस 8, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे। गाइस देख सकते हो अप्लाई पे क्लिक करते ही आपका राइट साइड में आ चुका है। एंड देन चले जाएंगे एप्रीहेंस में। एप्रीहेंस में जाते ही यहाँ पे आपको पिक्सल सिलेक्ट कर लेना है, 39 से 40 पिक्सल आप सिलेक्ट कर सकते हो और इस तरफ आपको इसे 0 कर देना है। और यहाँ पे जो नेक्सस का लोगो देख रहे हो आप चाहे तो इसे रेड और गोल्ड कर सकते हो और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। बाकी कुछ शेयर नहीं करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है और ये देखो ये एडजस्ट हो चुका है। सो गाइस अब हम ओके कर देंगे तो हमारा जो सारा सेटिंग है यहाँ पे हो चुका है। तो अब क्या करना है, आप जो आइकन्स देख रहे हो इसमें से ज्यादातर आइकन्स आपको जरूरत नहीं है तो एक एक करके इसे रिमूव फ्रॉम डॉक कर देना है। सो यस कर देना है। तो जिस जिस आइकन आपको जरूरत नहीं है उसके ऊपर बस राइट क्लिक करो एंड रिमूव फ्रॉम डॉक लिखा है इस पर क्लिक करो एंड बस यस करके ये सब डिलीट कर दो। ठीक है, तो हम एक एक करके सब कुछ डिलीट कर देते हैं। तो गाइस ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक करके आइकन ऐड करेंगे। तो गाइस अभी डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करके उसके बाद व्यू पे हम जाएंगे और शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे और ये जो आपका आइकन्स दिख रहा होगा तो अभी सारे आइकन्स दिख रहा है तो इनमें से जो जो आइकन आपको जरूरत है वो उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, तो इसको बस इस तरीके से यहाँ पे ले जाना है और छोड़ देना है। तो देखो कैसे ऐड हो जाएगा, तो अपने हिसाब से आप सारा ऐड कर लो। तो गाइस मुझे इतना ही आइकन्स चाहिए था तो ये सारा आइकन्स मैंने ऐड कर लिया है। तो अब क्या करना है, आप जो फोल्डर मैंने डाउनलोड करने को बोला था उस फोल्डर में आपको जाना है। ये जो फोल्डर मैंने गाइस आपको डाउनलोड करने के लिए बोला था लोगो एंड पीएनजी वॉलपेपर, तो इसके अंदर जाना है और इसके अंदर जाते ही गाइस आप देख पाओगे बहुत सारा आइकन्स का लोगो डिजाइन है और इसको बस आपको ऐड करना है। कैसे करना है, इसको मिनिमाइज नहीं करना है, इसको थोड़ा छोटा करना है एंड गाइस ये जो क्रोम का आइकन है ऐसे ड्रैग करके इसके ऊपर से ला के रखना है। तो देखना वो नीचे वाला क्रोम ब्लिंक करने आएगा, बस उसके ऊपर छोड़ देना है। देखो गाइस इसका आइकन चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से हम सबका कर लेंगे। तो गाइस ये सारा आइकन हमने ऐड कर दिया है। तो गाइस अब थोड़ा कुछ सेटिंग्स बाकी है तो हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद उसके बाद एप्रीहेंस में जाएंगे और यहाँ पे डॉक ट्रांसपेरेंसी लिखा है तो इसको थोड़ा इनहेंस कर देंगे। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा इनहेंस कर देंगे। इनहेंस करते ही उस पर ओके कर देंगे एंड उसके बाद शो आइकन लेवल ऑन माउस ओवर, तो इसको आपको क्लिक करना है बिकॉज क्योंकि गाइस यहाँ पे जब आप माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे सारा नेम दिखा रहा है तो हमें ये नहीं चाहिए, क्लीन चाहिए। तो इसे ऐसे क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो किसी का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है तो ये और भी अच्छा लगता है देखने में। और गाइस ये आपका सेट हो चुका है। तो अब बस डेस्कटॉप आइकन को हम हाइड कर देंगे तो देखने में बहुत खूबसूरत रहेगा। तो बूम गाइस देख सकते हो इसका जो आइकन से सारा हमने हटा दिया है और ये सेट हो चुका है। आपके सबसे अभी यहाँ पे बहुत सारा एप्लीकेशन और भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी आपको जाना है क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद आपको सर्च करना है रेन मीटर, ये लिख के सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का एक लिंक आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा इस तरीके का और यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपका डाउनलोड शुरू हो चुका है। तो डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है तो अब शो इन फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे ओके कर देंगे हम एंड फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही इसके यस कर देना है आपको, फिर फिनिश में क्लिक कर देंगे। तो कैसे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड अनलोड स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। सेम इसके ऊपर भी राइट क्लिक करना है, अनलोड स्क्रीन पे क्लिक कर देना है और सभी पे आपको राइट क्लिक करके बस इस तरीके से अनलोड स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस अभी आपको कुछ स्किन्स डाउनलोड करना पड़ेगा रेन मीटर के लिए, तो वो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, सेम आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको रेन मीटर वेडिंग्स नाम की एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करते आप सीधा चले जाओगे गूगल ड्राइव में, वहाँ से स्किनों को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इसे ओपन करते ही इसे डाउनलोड करते ही इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे 2.0 जो लिखा है इसे हम इंस्टॉल करेंगे एंड डबल क्लिक करने के बाद इस पर यहाँ से आपको टिक हटा देना है एंड इसे इंस्टॉल कर लेना है एंड देन सेम इस पर भी हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो टिक है इसे हटा देंगे एंड इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोनों ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे से रेन मीटर को ओपन करना है एंड रेन मीटर ओपन करते ही तो अभी आपको जाना है फाउंडेशन कलर पे एंड वहाँ पे जाता है आपको फाउंडेशन कलर .in लिखा हुआ है एंड इस पर आपको डबल क्लिक करना है और देख सकते हो इस तरीके का लाइन आपको देखने को मिल जाएगा। इस लाइन को आपको इस तरीके से नीचे लेके आना है। देन आपको जाना है ऑप्शंस में एंड यहाँ पे जेंटल्स पे जाना है
एंड इसको आपको डबल क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह का कुछ टैब ओपन हो के आएगा। तो जनरल टैब में आपको विजुअलाइजर को 22 में सिलेक्ट करना है एंड फिर चले जाना है विजुअलाइजर में। विजुअलाइजर में आते ही आपको बैंडविड्थ को 2 पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड नीचे वाला ऑप्शन को आपको 8 पे सिलेक्ट करना है और इसको आपको 10 में सिलेक्ट करना है। ये सब करने के बाद आपको चले जाना है नीचे वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे आते ही आपको वाइट सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो गाइस उसके बाद आप देख सकते हो इस तरीके से छोटा सा लाइन आपको देखने को मिलेगा। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको यहाँ पे ऊपर में सेट कर देना है, ठीक है। तो ऊपर में सेट कर देना है, फिर आपको जाना है लेआउट में, यहाँ पे स्पाइडरमैन V1 को सिलेक्ट करना है एंड लोड पे क्लिक कर देना है। एंड लोड पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो गाइस ये जो है ये ऑप्शन यहाँ पे खुल चुका है। एंड देन फिर से आपको स्किन्स पे चले जाना है। स्किन्स पे जाने के बाद आपको स्पाइडरमैन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड सेटिंग्स को आपको डबल क्लिक करना है। और डबल क्लिक करते आपके सामने इस तरीके का टैब खुल जाएगा और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये जो आपको म्यूजिक प्लेयर आप देख सकते हो इस म्यूजिक प्लेयर में आपको कौन सा म्यूजिक सेट करना है। तो स्पेशली मैं स्पॉटिफाई यूज करता हूँ तो स्पॉटिफाई में मैं सेलेक्ट कर लूंगा। स्पॉटिफाई सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा एंड उसके बाद फिर सबको इस पर राइट क्लिक करना है एंड अनलोड स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, ठीक है गाइस। तो आप गाइस आप स्पॉटिफाई को ओपन करो एंड वहाँ पे कोई भी एक सॉन्ग प्ले करो। स्पॉटिफाई को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक सॉन्ग प्ले कर लूंगा। तो सॉन्ग जब भी मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तब देख सकते हो गाइस ये रहा, ये जो बार है ये बार यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा। मुझे लग रहा है कि ये बार थोड़ा छोटा है तो इसको मैं इसको ऊपर क्लिक करूंगा और इसका बार का वेट थोड़ा मैं बड़ा कर लूंगा, ठीक है। तो फिर ये क्लोज कर दूंगा एंड अब देख सकते हो देखने में बहुत कूल लग रहा है। तो गाइस अगर आप यहाँ पे अब इस म्यूजिक को पॉज करोगे तो देख सकते हो ये म्यूजिक यहाँ से ऑफ हो जाएगा और स्पॉटिफाई से भी ये ऑफ हो चुका है एंड फिर से अगर आप इसको प्ले करोगे तो यहाँ पे ये ब्लिंक होने लगेगा। तो गाइस ये था इसका सेटिंग और ये था मेरा ऐप का सेटिंग। तो आप देख सकते हो ये आपका सारा ऐप यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आप विंडोज पे क्लिक करोगे तो ये विंडोज खुल जाएगा, लाइट रूम या फिर प्रीमियर प्रो पे जिस पे भी क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे VLC मीटर पे क्लिक करके दिखाते हैं तो ये खुल चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो तो ये रहा आज का सेटिंग्स और ये रहा आज का टिप्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और वीडियोज के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो पर।